हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लाए हैं दही वड़े की रेसिपी जो बहुत ही इजी है। आइए आज हम बनाते हैं दही वड़ा। दही वड़ा बनाने के लिए मैंने 1.5 किलो उड़द दाल लिए थे, जिसे रात को ही भिगो लिए थे और सुबह में पीस लिए। अब इसमें अजवाइन, थोड़े से हींग और इनो डाल दिए। ये सभी को डालने के बाद इसे अच्छी तरीक़ों से आपको फेंट लेना है। इसमें अजवाइन मैंने इसलिए डाले कि जिससे आपको गैस नहीं होगा, क्योंकि उड़द से बहुत लोगों को गैस हो जाते हैं। इनो भी इसीलिए डाले हैं और हींग भी इसीलिए डालना है। अब ये डालने के बाद, इसके फेंटने के बाद इसे हम तल लेंगे अच्छी तरीक़ों से। ये देखिए कितने अच्छे फुगे फुगे बने हैं, एकदम सुनहरा हो गया। अब पानी थे बॉईल कर लिए, उसमें थोड़े से नमक डाल दिए। ये देखिए मिल्की मिस्ट का दही है, जिसे मैंने 1 किलो सिर्फ 59 में डीमार्ट से लिए हैं। बहुत ही टेस्टी दही है, इससे दही वड़े बहुत ही अच्छे बनते हैं, एकदम होटल जैसे बनते हैं। अब इसे अच्छे से फेंट लेना है। इसमें थोड़े से शक्कर डाल देने हैं। शक्कर डालने के बाद और भी फेंट लेना है, क्योंकि ये अच्छे से दही में घुल जाए शक्कर। इसे फेंटते रहना है आपको। अब इसमें मैंने लिए 1/2 किलो छाछ। आप पानी मत ऐड करना, छाछ ऐड करने से क्या होगा ना, जो आपका जो दही वड़ा का टेस्ट होता है, दही का एकदम होटल जैसे आते हैं, बहुत ही टेस्टी बनता है। आप एक बार नहीं, बार बार बना के खाएंगे हर सैटरडे संडे। सो इस तरीक़ों से ज़रूर ट्राई करना। अब देखिए हम पानी निचोड़ दिए थे, बॉयल पानी में जो वड़े डाले थे। अब इसे दही के अंदर अच्छे से डुबो देना है, अच्छे से डूब जाए। इसे कम से कम आपको 1/2 से 1 घंटे बाहर ही रखना है, तुरंत फ्रिज में नहीं रखना, नहीं तो कड़क हो जाएंगे। अब इसे आप सर्व कर लीजिए। सर्व करने के लिए थोड़े से मैंने इसमें चटनी, खजूर और इमली के चटनी बना के रखे थे। ये गुड़, खजूर और इमली की चटनी है, इसमें सर्व करेंगे, थोड़े से ऐड करेंगे, बहुत ही टेस्टी लगता है। अब थोड़े से लाल मिर्च पाउडर, थोड़े से धनिया, थोड़े से पुदीना, ये सभी को डालकर आप इसे खाइए मस्त, एकदम ठंडा ठंडा फ्रिज में रख के। बहुत ही टेस्टी, बार बार खाने का मन करेगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना, और कमेंट्स करके बताना दही वड़ा कैसे बने थे। और आप भी ज़रूर ट्राई करना। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। बाय बाय।